श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदिव्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपम् ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैर्वेदादिकीर्त्यं विभो तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजा नन्दं च वन्दे सदा श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। कार्यकर सुवर्ण महोत्सव की जय। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के सानिध्य में प्रातः काल में हम कठोपनिषद का पारायण सुन रहे हैं। हमारे भारत के अध्यात्म ग्रंथों की विशेषता यह रही है कि वे हमें न केवल परलोक की मुक्ति का मार्गदर्शन देते हैं, अपितु इस संसार के व्यवहार में, हमारे सामाजिक रोजाना जीवन में भी जो समस्याएं हमारे जीवन में आती है उसको हम कैसे सुलझा सके और शांति पा सके, उसका भी उसमें मार्गदर्शन दिया है। तो ये ग्रंथ कोई संसार व्यवहार को छोड़कर अध्यात्म मार्ग पर चले जाने वाले साधु संन्यासियों के लिए ही नहीं है, किंतु जो गृहस्थाश्रमी हैं उनके जीवन में भी धन्यो गृहस्थाश्रम, उसका अनुभव कैसे किया जाए उसकी बात हमारे शास्त्रों ने बताई है। उसमें एक यह कठ उपनिषद, उसकी कथा में अब तक हम सुन चुके हैं कि नचिकेता नाम का एक किशोर, उनके पिता की आज्ञा से यम सदन पे पहुंचा है और यहाँ यमराज ने उसको तीन वरदान मांगने की बात कही। तब तीसरे वरदान में जब नचिकेता ने आत्मा और उसकी मरणोत्तर गति, उसके बारे में प्रश्न पूछा, तब यमराज को लगा कि इस प्रश्न का उत्तर देने में मुझे सारी सी सारी अध्यात्म विद्या का रहस्य खोल देना पड़ेगा, क्योंकि अध्यात्म विद्या के मूल में, रहस्य में आत्मा की बात है, परमात्मा की बात है, आत्मा परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकती है उसकी बात है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है वो बात उसमें आती है, आत्मा का स्वरूप कैसा है वो बात उसमें आती है। तो ये सब कुछ जो रहस्यमय बातें हैं, सर्वश्रेष्ठ जो ज्ञान है वो नचिकेता के सामने मुझे खोल देना पड़ेगा, परंतु ऐसा ज्ञान देने से पूर्व ये ज्ञान को पचा सके, हजम कर सके, ऐसी पात्रता नचिकेता में है या नहीं उसकी परीक्षा करने हेतु पहले तो यम राजा ने नचिकेता को डराया, भड़काया, भय किया उसके सामने कि ये ज्ञान देवो भी प्राप्त नहीं कर सके है तो तू मनुष्य का बच्चा कैसे प्राप्त कर सकेगा, इससे तो अच्छा है कि तू और कुछ मांग ले। तब नचिकेता अलग मिट्टी का निकला, उसने कहा कि देवों ने भी ये ज्ञान के लिए प्रयत्न किया है तो सचमुच इस ज्ञान में कुछ दैवत होगा, वरना देवों के दरबार में तो क्या कमी है,
मनुष्य से हजार गुना लाख गुना वैभव वहाँ है, लेकिन ऐसे वैभव से भी उनके प्रश्नों का अंत नहीं आया होगा, उनके जीवन में शांति नहीं मिली होगी, तब तो उन्होंने इस ज्ञान के लिए प्रयत्न किया होगा ना। नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। जब जरूरत पड़ती है तब आदमी संशोधन करता है, जब जरूरत नहीं पड़ती है तो संशोधन भी नहीं होता है। तो देवों ने इस ज्ञान के बारे में संशोधन किया, उसका मतलब कि हम चाहे देवता हो जाए, देवता जैसे वैभव हमें इस पृथ्वी में मिल जाए, फिर भी आत्मा परमात्मा के ज्ञान के बिना हमारे प्रश्नों का अंत नहीं आएगा। ब्रिटेन में FRCPs यानी कि फेलो ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ साइकियाट्रिस्ट, जो मन के डॉक्टर, मनोचिकित्सक जिसे बोलते हैं, उन मनोचिकित्सकों का पदवीदान समारोह था। 700 ऐसे डॉक्टर जो रॉयल कॉलेज में पढ़े थे, उनको कॉन्वोकेशन डे में संबोधन करने के लिए, उस वक्त प्रिंस चार्ल्स, अब किंग चार्ल्स कहा जाता है, तो वे किंग चार्ल्स को बुलाया गया था। और ये जो बड़े बुद्धिशाली 700 मनोचिकित्सकों, उनको संबोधित करते हुए किंग चार्ल्स ने कहा था, द मोस्ट अर्जेंट नीड फॉर ए वेस्टर्न मैन इज टू रीडिस्कवर द डिवाइन एलिमेंट विद इन इज बीइंग, विदाउट इट देर इज नो मीनिंग ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। क्या बताया प्रिंस चार्ल्स ने, पश्चिम के लोगों के लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या है, तो अपने भीतर में छिपे हुए दिव्य तत्व को खोज डालो। जब तक तुम इसको नहीं पाओगे तब तक तुम्हारे अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रहेगा। ये कौन बोलता है, बॉर्न विद द सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, जो गर्भ श्रीमंत व्यक्ति है, जो महल में रहता है, जिसके पास प्राइवेट प्लेन है, हेलीकॉप्टर है, 400 कमरों का महल है, लाखों की संपत्ति है, वह बताता है द मोस्ट अर्जेंट नीड फॉर ए वेस्टर्न मैन, हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या है, तो हमारे आत्मा और उसमें छिपी परमात्मा को खोज डालो। विदाउट इट देर इज नो मीनिंग ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। उसके बजाय यदि ये काम हमने नहीं किया तो हमारे पास इस दुनिया की चाहे कितनी उच्च पदवियाँ आएगी, संपत्ति एकत्रित होगी, हमें चाहे कितने उच्च पद मिलेंगे, लेकिन नो मीनिंग, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो देखो यह कठ उपनिषद अब जो बात हमें समझाने के लिए जा रहा है वो ऐसी महत्वपूर्ण बात है, हमारे जीवन को सार्थक कर दे, सफल कर दे, शांतिपूर्ण बना दे। लेकिन ऐसा ज्ञान देने के पूर्व में नचिकेता को यमराजा ने कहा कि ये देवता भी प्राप्त नहीं कर सके, तो नचिकेता उससे पीछे नहीं हटा। उसने सोचा कि हर एक शुभ कार्य में विघ्न तो बाधाएं तो आती ही है, तो ये बाधाएं से हमें डरना नहीं चाहिए। जैसे कल हमने नीलकंठ वर्णी की बात सुनी थी, वो गृह त्याग करके लाखों मुमुक्षुओं का कल्याण करने के लिए निकले, तो सावन महीने की शुरुआत के दिन थे, और जब ये बारिश के दिन आते तो उस जमाने में आज से 240 साल पूर्व ऐसे कोई रास्ते नहीं थे, नदियाँ पर कोई ब्रिजिस नहीं थे, कोई रास्ते पर ऐसी धर्मशालाएँ नहीं थी, तो अचानक बारिश गिरे तो कहाँ रुकना कहाँ ठहरना वो प्रश्न हो जाता था। जंगल में जहरीले जीव जंतुओं का उपद्रव बढ़ जाता था, नदियाँ पानी से भरपूर हो जाए तो उसको कैसे पार किया जाए। तो ऐसी ये सावन की ऋतु में कोई भी राजा हो, जोगी जति सन्यासी हो, पंछी हो, कोई भी बाहर नहीं निकलता था। ज्यारे चौमासु जगत मा थाय त्यारे जन परगाम न जाय, राजा जितवा जाय विदेश चौमासे आवी वसे स्वदेश, पंखी माळो रची स्थिर थाय दूर देश चौमासे न जाय, जोगी पण ज्यारे चातुर्मास वसे स्थिर स्थले एक वास। जब सब लोगों के कदम अपने घर में वापिस आते हैं, ऐसी सावन की ऋतु में भगवान स्वामीनारायण नीलकंठ वर्णी ने घर को छोड़ा। वे विघ्न देखकर डरे नहीं,
कम वॉट में जो भी आए उसको हम पार कर जाएंगे। तो यहाँ नचिकेता भी हमें समझाता है कि यह भगवान की भक्ति का मार्ग, आत्म कल्याण का मार्ग ऐसा है, उसमें हमें विघ्नों को देखकर डरना नहीं चाहिए। जब गुणातीतानंद स्वामी सारंगपुर पधारे थे और सारंगपुर मंदिर के पास से बहती हुई शिग्रा नदी, जिसको गुजराती में उतावली नदी हम बोलते हैं, तो शिग्रा नदी के तीर पर बैठकर गुणातीतानंद स्वामी शौच विधि के बाद हस्त प्रक्षालन, हाथ धो रहे थे और प्रागजी भक्त उनको हाथ प्रक्षालन करवा रहे थे। तब गुणातीतानंद स्वामी बोले कि प्रागजी, मेरे हये में यानी कि भीतर में ज्ञान तो बहुत है, लेकिन क्या करूं, कोई पात्र नहीं मिलता है। तब भगत जी महाराज ने कहा कि स्वामी, मैं पात्र, आप मुझे आपका ज्ञान दो ना। तब गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि यह ज्ञान प्राप्त करना कोई सरल बात नहीं है, ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो जीते जी मरना पड़ेगा, मरजीवा बनना पड़ेगा। भगत जी महाराज ने कहा कि मैं तैयार हूँ, और वे तैयार ऐसे हुए कि उनके जीवन में अनेक उनके अपमान हुए, अनेक कष्ट पड़े, लेकिन भगत जी महाराज वो ज्ञान प्राप्त करके ही रहे। तो हमें इस प्रकार से यह नचिकेता समझाता है कि विघ्न को देखकर हमें यह भगवान के मार्ग में पीछे हट नहीं करनी चाहिए। मीरा के सामने जहर का प्याला आया पीने के लिए, लेकिन फिर भी मीराबाई ने भगवान की भक्ति को छोड़ा नहीं। हमारे पास तो आज क्या जहर के प्याले, शरबत के प्याले आते हैं हमारे सामने, तो अब कोई जहर पीने की तो बात हमारे पास है नहीं, तो कितनी सानुकूलता है। लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ थोड़े विघ्न आए उसमें मंदिर जाना छोड़ दे, पूजा करना छोड़ दे, तिलक चांदला करना छोड़ दे, एकादशी करना छोड़ दे, तो उससे काम नहीं होता। ये नचिकेता के सामने तो कितने बड़े विघ्न आए, भगत जी महाराज के सामने कितने, पूर्वा में प्रहलाद जी की बात हम सुनते हैं, उससे के सामने कितने विघ्न आए, उसके पिता ने कोई कमी ही नहीं रखी थी उसको परेशानी करने में, हाथी के पैरों के तले कुचलने का प्रयत्न किया, पर्वत से गिराया, अग्नि में डाला, जहर दिया। अब प्रहलाद के सामने हम तो कितने सुखी हैं, हमें भगवान की भक्ति में क्या विघ्न आते हैं, कोई नहीं। एक गुजराती कवि जुगतराम दवे, उन्होंने प्रहलाद जी पर एक काव्य बनाया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि थातु नथी कही बैसी शूजा, थातु नथी कही बैसी शूजा, हाथे करी केम हारी तूजा, सरखा भी जो ओल्यो बाड़ो प्रहलाद जी, तुथी हुती शु एनी लांबी भुजा, जुलमनी जाड़मा रमतो ये बालूडो, रोतल थता तने नावे लज्जा। ये कवि लिखता है कि मुझसे ये नहीं होगा ऐसा सोचकर क्या बैठ जाते हो, था तो नथी कहीं बैसी सूजा, हाथे करी हारी तू जा, अपने आप ही बिना किसी के बिना आप अपने आप क्यों हार जाते हो। सरखा भी जो ओलो बाड़ो प्रहलाद जी, प्रहलाद जी के साथ तो आप अपनी जात की तुलना कर देखो, जुलम नी जाड़ मा रमतो ये बालूडो, प्रहलाद जी की परवरिश ही जुलम की जाल में हुई, लेकिन प्रहलाद जी पीछे नहीं हटे तो रोतल थता तने नावे लज्जा, तो ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकूंगा, ऐसा बोलने में आपको शर्म आनी चाहिए। प्रहलाद जी ये छोटा बालक 5 साल का इतना जुल्म सहन कर सकता है भगवान की भक्ति के लिए, तो हमारे सामने कहाँ ऐसे विघ्न के पहाड़ है, तो हम क्यों ये भगवान की भक्ति को, भगवान के नियम पालन को छोड़ देते हैं। तो देखो ये कठ उपनिषद हमें समझाता है कि ये आत्म कल्याण के मार्ग में इस प्रकार से हमें डटे रहना चाहिए। चलो ये नचिकेता विघ्न से पीछे नहीं हटा, तो अब दूसरा पासा यमराजा फेंकते हैं, और ये पासा जोरदार है। उसमें नचिकेता को यमराजा ऐसा बोलते हैं कि भाई, तू ये तीसरा वरदान मांगने के बजाय शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्व, बहून पशून हस्ति हिरण्यम अश्वान्, भूमेर महद आयतनम वृणीष्व, स्वयं च जीव शरदो यावद इच्छसि। ये तीसरे वरदान के बदले में, यानी कि आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के बदले में, मैं तुझे शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्व, 100-100 साल की उम्र वाले
पुत्र और पौत्रों का दान करूं, ये तू मांग ले मेरे पास से। बहुन पशुन हस्ती हिरण्यम अश्वान, हस्ती मतलब गज हाथी, हिरण्यम यानी कि सुवर्ण, अश्व माने कि घोड़े, तो तू चाहे इतने घोड़े हाथी और सुवर्ण मुझसे मांग ले, पर ये आत्मा परमात्मा की बात पूछना मत कर। उस जमाने में पशु भी धन कहलाता था। भगवान स्वामीनारायण ने प्रथम प्रकरण के 27वें वचनामृत में कहा है कि संसार व्यवहार में जिसके पास ज़्यादा पशु होते हैं वो धनिक कहलाता है, जिसके पास एक घोड़ा हो उसके बजाय जिसके पास 5 घोड़े हैं तो वो अधिक वैभवशाली कहा जाएगा, जिसके पास 15 घोड़े हैं वो अधिक वैभवशाली कहा जाएगा। आज के ज़माने में गाड़ियाँ गिनो। तो भगवान स्वामीनारायण ने वो ऐसा बताया, तो यहाँ यमराज भी बोलते हैं, नचिकेता को कहते हैं कि तू चाहे इतना हाथी घोड़े सुवर्ण मेरे पास से मांग ले, लेकिन ये आत्मा परमात्मा की बात को छोड़ दे। इतना ही नहीं, भूमेर महद आयतनम वृणीश्व, आयतनम मतलब राज्यम, इस भूमि पर बड़ा विशाल राज्य तू मेरे पास से मांग ले। लेकिन ये तीसरे वरदान की बात को छोड़ दे, और स्वयं च जीव शरदो यावद इच्छसि, तुझे जितनी शरद ऋतु जीना है इतनी तू मुझसे मांग ले, यानी कि तुझे जितना आयुष्य चाहिए इतना तू मुझसे मांग ले, लेकिन ये तीसरे वरदान को छोड़ दे। कितना ज़्यादा, कितना अधिक प्रलोभन, मानो एक प्रलोभन की परंपरा ही यमराजा ने नचिकेता के सामने खड़ी कर दी। ऐसे समय में तो जंगल में जाकर कोई तपस्वी तप करता होगा वो भी अपने पैर छोड़कर खड़ा हो जाएगा कि कोई बात नहीं है, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, देखो ये तपश्चर्या की, भगवान कितने प्रसन्न हो गए मुझ पर, क्या नहीं मांगा। 100-100 साल की उम्र वाले पुत्र पौत्र, मन में आए इतने हाथी घोड़े स्वर्ण, भूमि का बड़ा राज्य और अपनी भी आयुष्य जितनी लंबी चाहे इतना, इतने से यम राजा अटकते नहीं हैं। वो नचिकेता को आगे कहते हैं कि एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम वृणीष्व वित्तम चीर जीविकाम च, ये तो मैंने तुझे सूची दी, मैंने लिस्ट तुझके आगे रखा, लेकिन इसमें यदि कुछ रह गया होगा, क्योंकि मनुष्य का दिमाग ऐसा है कि भगवान चाहे जितना ही हमें आपे कम ही पड़ता है, हमें उसे संतोष नहीं होता है। एक बार ब्रह्मा जी दान देने के लिए बैठे और जो भी आए उसको जितना चाहे उतना देना, ये उनका व्रत था। तो सभी लोग लाइन लगाकर ब्रह्मा जी के आगे खड़े हो गए, और कोई बर्तन लेकर आए, कोई पीप लेकर आए, कोई बड़ा बर्तन लेकर आए, तो इस प्रकार से कोई वेगन लेकर आ गए, लेकिन जिसको जितना चाहे ब्रह्मा जी देते ही थे। एक दरिद्र था, कंगाल, उसको पता चला कि ब्रह्मा जी दान दे रहे हैं और जितना चाहे उतना देते हैं, तो वो भी सोचने लगा कि चलो मैं भी लाइन में ज्वाइंट हो जाऊं ताकि मैं रह ना जाऊं, आज तो मेरा दारिद्र्य दूर ही कर देना है। लेकिन उसके पास कुछ ले सके वैसा पात्र भी नहीं था, एल्यूमिनियम का, प्लास्टिक का कोई बर्तन भी उसके पास नहीं था, तो किस में लेना। लेकिन वो दौड़ तो पड़ा, एक बार शटर बंद हो जाए इससे पहले लाइन में ज्वाइंट हो जाए, वरना ये मौका गया तो फिर गया। तो ब्रह्मा के आगे खड़े रहने के लिए वह दौड़ने लगा, तो रास्ते में उसके पैर से कुछ टकराया, तो उसने क्या है क्या नहीं देखने का बजाय वो उठा लिया, क्योंकि उसको कुछ पात्र जैसा, बर्तन जैसा लगा, तो उसने उसको उठा लिया और ब्रह्मा के आगे लाइन में खड़ा हो गया। उसकी जब बारी आई तो ब्रह्मा ने देखा कि ये तो छोटा बर्तन है, तो उसमें से एक मुट्ठी में जवाहिर नाग डालूंगा वो भी भर जाएगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने एक मुट्ठी डाली, पात्र भरा ही नहीं, अधूरा ही रहा। फिर दोनों हाथ से डालने लगे, लेकिन पात्र अधूरा ही रहता था, भरता ही नहीं था। फिर तो जो भी स्टाफ उनका था उसको सभी को काम में लगा दिया कि भाई उसका पात्र भर दो ताकि दूसरे लोगों का नंबर आए। तो सभी लोग उसका पात्र भरने के लिए अपने हाथों से ये जवाहिर हीरे मोती सब डालने लगे, लेकिन वो पात्र भराता ही नहीं था, वो अधूरा ही रहता था। तो ब्रह्मा सोच में पड़ गए कि ये क्या लेकर आए, कोई वेगन लेकर आए वो भी मैंने भर दिया, कोई बड़े पीप लेकर आए उसको भी मैंने भर दिया, और ये छोटा पात्र है लेकिन भराता नहीं है, क्या है। तो वो आदमी था उससे पूछा, भाई ये तू क्या लेकर आया है।
तो वो खड़ा था, उसने कहा कि मैंने भी कहाँ देखा है, मैं तो मेरा नंबर रह न जाए इसलिए जो भी पैर से टकरा है उसको उठा कर ले आया हूँ आपके सामने। ब्रह्मा जी ने देखा कि जरा देखो तो सही क्या है, जब देखा तो पता चला कि वो मनुष्य की खोपड़ी लेकर खड़ा था, वो स्मशान में थे भागा था और वो पैर से टकराई थी उसने उठा ली। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई तू चला जा, ये मेरा खजाना खाली हो जाएगा लेकिन ये भराने वाली नहीं है। मनुष्य का दिमाग ऐसा है कि भगवान का खजाना खाली हो जाए लेकिन फिर भी हमें सब कम ही महसूस पड़ेगा। तो ये नचिकेता को यमराजा बोलता है कि ये तो मैंने सूची बताई कि तू 100-100 साल की आयुष्य वाले पुत्र पौत्र मांग ले, जितने चाहे उतने हाथी घोड़े सुवर्ण मांग ले, तुझे जितनी आयुष्य चाहे उतनी मांग ले, ये पृथ्वी पर जितना बड़ा राज्य चाहे वो तू मांग ले, लेकिन एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम वृणीष्व, इससे अलावा तेरे मन में कोई अभिलाषा हो इच्छा हो तो उसके मुताबिक भी तू मुझसे मांग सकता है। वित्तम चीर जीवी काम च, तुझे जितना चाहे उतना वित्त, वित्त यानी कि पैसे संपत्ति मांग ले, चीर जीवी काम कभी ही कम न हो, इतनी आमदनी होती ही रहे ऐसे तू व्यवसाय मुझसे मांग ले। महाभूमौ नचिकेतस्त्वम एधि, ये सारी पृथ्वी उसका तू एक चक्री शासन कर, चक्रवर्ती राजा बन जा। कामानाम त्वा काम भाजम करोमि, तेरे मन में जो भी इच्छा हो वो पूरी हो जाए ऐसा मैं तुझे वरदान देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तू ये आत्मा परमात्मा के बारे में जो मुझसे सवाल कर रहा है वो पूछना छोड़ दे। इतने से यमराज अटकते नहीं है, अब आगे वे बोलते हैं, ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके सर्वान कामान छंदतः प्रार्थयस्व। मर्त्य लोक यानी कि मृत्यु लोक में जो कामनाएं मनुष्य के लिए पूरी होनी असंभवित है, मनुष्य के नसीब में ही जो है नहीं, ऐसा मैं तुझको देने के लिए तैयार हूँ। ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके सर्वान छंदतः प्रार्थयस्व, छंदतः मतलब तेरे मन में जितना चाहे इतना वो मुझे, वो मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। इमा रामाहा स तुरिया स रथा नहीं इद्रुषा लंबनिया मनुष्य ही, स्वर्ग लोक की अप्सराए जो मर्त्य लोक के मनुष्य के लिए उपलब्ध नहीं है, नसीब में नहीं है, वो भी मैं तुझको दूंगा। और ये रामाहा कैसी, स तुरियाहा स रथा, वो अपने साथ रथ लेकर आएगी। सतुर्या यानी कि सब ऐसे राजोपचार के साथ आएगी। आभिमत प्रताप ही परिचार यस्व, मेरे आशीर्वाद से ये सबकी तू सेवा स्वीकार कर। नचिकेतो मरणम मानु प्राक्षी ही, लेकिन तू ये मृत्यु के बाद का जो रहस्य मुझसे पूछना चाहता है वो पूछने का छोड़ दे। तो इतने सारे प्रलोभन इस प्रकार से जब नचिकेता के सामने यम राजा ने रखे तो हम देखते हैं कि ऐसे प्रलोभनों में तो कोई भी साधक होगा, कोई भी मुमुक्षु होगा, वो भी लालायित हो जाएगा कि चलो थोड़ा उसका हम स्वाद ले ले, और फिर बाद में ये जो तीसरे वरदान की वो बात है उसका कुछ विचार करेंगे। लेकिन नचिकेता जैसे पड़कारों से पीछे नहीं हटा, चैलेंज आई उसके सामने उससे वो पीछे नहीं हटा, तो प्रलोभनों में भी वो फंसता नहीं है। वो जानता है कि ये जो आत्मकल्याण का मार्ग है उसमें ये दोनों बातें आएगी, विघ्न भी आएंगे और प्रलोभन भी आएंगे। भगवान स्वामीनारायण ने प्रथम प्रकरण के 61वें वचनामृत में कहा है कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तब भगवान ही हमारी परीक्षा करने के लिए ये प्रलोभन हमारे सामने रखते हैं कि उसको मुझ में ज़्यादा प्रीति है या सांसारिक पंच विषय में ज़्यादा प्रीति है। तो ये जो हमारे जीवन में प्रलोभन आते हैं वो प्रलोभन भगवान हमारी परीक्षा के लिए भेजते हैं, उसको भगवान की कृपा नहीं समझना चाहिए। कई बार लोग ऐसा समझते हैं कि हमने भगवान की भक्ति की, देखो भगवान इतना सब कुछ दे दिया, फिर भगवान की भक्ति उसमें भूल जाते हैं। तो सच्ची बात में परीक्षा होती है और इस प्रकार से हमें उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। तो नचिकेता ने ये प्रलोभन जो उनके सामने आए उस पर भी नज़र नहीं लगाई,
और उन्होंने ये जो यमराजा थे उनको कह दिया कि तवे वाह तव नृत्य गीते, ये जो सब आपने बताए प्रलोभन वो आपके पास ही रखो, वो मुझे नहीं चाहिए। तो हमें ये कठ उपनिषद समझाता है कि भगवान की भक्ति के मार्ग पर हमें भगवान के सिवा, भगवान जिनमें प्रकट है ऐसे गुणातीत गुरु के सिवा और किसी में हमारा मन वो नहीं ले जाना चाहिए। संस्कृत एक सुभाषित में लिखा है कि रत्नेर महारहैर स्तुतुशूर न देवा न भेजीरे भीम विषेण भीतिम सुधाम विना न प्रययुर विरामम न निश्चितार्थाद विरमंती धीराहा। जो धीर पुरुष है, जो सच्चे भक्त है, वो कैसे होते हैं? तो समुद्र मंथन का दृष्टांत दिया। समुद्र मंथन जब देवों और दानवों ने किया तो उसमें रत्न निकले, लेकिन ये रत्न जो महामूल्य वाले थे, रत्नेर महारहैर स्तुतुशूर न देवाः, तो ये रत्न में ये देवताओं अपने मन को प्रलोभित नहीं करते हैं। न भेजीरे भीम विषेण भीतिम, उसमें से हलाहल निकला, विष निकला, लेकिन उससे भी वे पीछे नहीं हटे। सुधाम विना न प्रययुर प्रययुर विरामम, सुधा माने कि अमृत, वो उनको जाय चाहता था तो वो जब तक न मिला तब तक प्रलोभन आए रत्न के रूप में या फिर विष के रूप में भय आया, लेकिन दोनों को लांघकर वे अमृत की प्राप्ति करके ही रहे, क्योंकि न निश्चितार्थाद विरमंती धीराः। जो सच्चे भक्त है वो जो अपने मन में तय किया है उसको प्राप्त किए बिना कभी भी अपना हाथ में लिया काम छोड़ते नहीं है। ब्रह्मानंद स्वामी के सामने जब वे साधु बनने के लिए तैयार हुए तब कितने प्रलोभन आए। ब्रह्मानंद स्वामी तो राजकवि थे और उस जमाने में पूरे गुजरात में उनके जैसा कोई कवि नहीं था, क्योंकि द्रागंद्रा स्टेट, जामनगर स्टेट, भावनगर स्टेट, कच्छ भुज स्टेट, सभी राजवियों ने उनको राजकवि का पद दिया था। और गायकवाड़ सरकार को जब पता चला कि ये जो लाडूदान जी वो भगवान स्वामीनारायण के संत बनने के लिए तैयार हुए, दीक्षा लेने को तैयार हुए, तब उन्होंने उनके सामने ऑफर रखी, प्रलोभन दिया कि यदि आप मेरे दरबार में आ जाओगे तो मैं आपको रहने के लिए महल दूंगा, आपको 25 सेवक दूंगा, घूमने फिरने के लिए रथ दूंगा, राजकवि का पद दूंगा। लेकिन ये लाडूदान जी ने सब कुछ ठुकरा दिया। उनके तो विवाह भी हो गए थे, तो जिनके साथ उनके विवाह तय किए गए थे वही लड़कियाँ और उनके माता पिता भी ब्रह्मानंद स्वामी को इस प्रकार से प्रलोभित करने के लिए आए, लेकिन ब्रह्मानंद स्वामी किसी भी प्रलोभन में नहीं फंसे और वे भगवान स्वामी नारायण के हाथ से दीक्षा लेकर उनके संत बने। तो ऐसे कई भक्त हमें समझाते हैं कि हमारी भगवान की भक्ति के मार्ग में ऐसे सब कुछ प्रलोभन भी आएंगे, विघ्न भी आएंगे, लेकिन दोनों के सामने नज़र किए बिना हमारा जो लक्ष्य है, भगवान स्वामीनारायण ने प्रथम प्रकरण के 21वें वचनामृत में, पंचाला प्रकरण के पहले वचनामृत में कहा है कि हमें मन में यह निश्चित रखना है कि हमें अब अक्षर मुक्त की पंक्ति में शामिल होना है, और बीच में जो भी पंच विषय है उसमें से कभी में हमारे मन को आकृष्ट नहीं करना है। तो ये सच्चे भक्त की रीति है, वो नचिकेता हमें यहाँ सिखाता है। हमें भगवान की जब प्राप्ति करनी है, भगवान के अक्षरधाम की प्राप्ति करनी है, हमारा अंतिम जन्म करना है, तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, जैसे गुणातीतान स्वामी ने कहा और हम अक्सर कहावत में भी सुनते हैं कि कीड़ी चोखो ले चली बीच में मिली दाल, दोनों बातें न बने कहाँ सेठों का टाल। चीटी थी, वो चीटी अपने साथ चावल का दाना लेकर जाती थी, तो बीच में उसने दाल का दाना देखा, तो चीटी ने सोचा कि ये चावल से हम हर रोज ये भात तो पका कर खाते हैं, लेकिन आज ये दाल और चावल के दाने को मिक्स करके खिचड़ी बनाकर खाए। लेकिन ये चीटी थी, या तो चावल का दाना पकड़ सके या तो दाल का दाना, उसमें इतना बल नहीं था कि दोनों को एक साथ खींच जाए। तो कवि कहते हैं कि चीटी चोखा ले चली बीच में मिली दाल, दोनों बातें न बने कहाँ सेठों का टाल।
सिर पे बाल भी रखना है और टाल भी रखनी है तो कैसे दोनों एक साथ हो सकता है? कभी दो में से एक ही बनता है। तो इसी प्रकार या तो भगवान की भक्ति करो या जगत में मन लगाओ, दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती है। तो नचिकेता ऐसा शूरवीर किशोर है कि जिसने उनके सामने जो भी प्रलोभन आए तो वो प्रलोभनों को ठुकरा दिया और उसने कहा कि नहीं, मुझे तो आप ये जो मरणोत्तर आत्मा की गति का ज्ञान दो, मृत्युंजय विद्या मुझे दो, मृत्यु को किस प्रकार से मैं जीत सकूं, तो यह बात तो यमराजा कैसे देने में राजी है, क्योंकि मृत्यु को जीतने की बात यानी कि यमराजा के पेट पर पैर मारने की बात, वो कैसे, उसका धंधा ही टूट जाएगा फिर तो। तो यमराजा नचिकेता को ये प्रलोभन एक के बाद एक देते गए लेकिन वो उसमें फंसता नहीं है। हमारे उपनिषद में बृहदारण्यक एक उपनिषद है, उसमें मैत्रेयी नाम की एक विदुषी बाई की कथा आती है। उनके पति याज्ञवल्क्य थे। याज्ञवल्क्य जब वानप्रस्थ होने के लिए तैयार हुए तब उन्होंने अपने पास जो संपत्ति थी वो उनकी दो पत्नियाँ कात्यायनी और मैत्रेयी, इन दोनों के बीच एक समान हिस्से से बांटने की बात की। ऋषि के पास और तो क्या संपत्ति होती है, लेकिन ऋषि के पास गाय होती है, तो गाय समान हिस्से से बांटने की बात की। तो उस वक्त मैत्रेयी याज्ञवल्क्य से पूछती है कि ये आप ये सब संपत्ति को छोड़कर अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए वन में जाते हैं तो क्या ये संपत्ति से अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है? तब याज्ञवल्क्य ऋषि मैत्रेयी को बोलते हैं कि नहीं, ये संपत्ति से तो हम वैभवशाली जीवन जी सकते हैं लेकिन अमृत तत्व भगवान के परम पद की प्राप्ति इससे नहीं हो सकती है। तब मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य ऋषि से कहा, ये ना हम ना मृता स्याम तेन अहम किम कुर्याम, जब मुझे ये संपत्ति से अमृत पद न मिले, भगवान का धाम न मिले तो मुझे भी संपत्ति से क्या करना है, मैं भी आपके साथ साधना के लिए चली आऊँगी। और उसने सारी संपत्ति को ठुकरा दी। तो हमें ये सब दृष्टांत समझाते हैं कि कुछ प्राप्त करने के लिए हमें कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ पाने के लिए किसी का त्याग करना पड़ता है। तो यहाँ नचिकेता ने ये सारे प्रलोभनों को ठुकरा दिया। हमारे गुरु हरि मोहन स्वामी महाराज ने जब निश्चय किया कि मुझे योगी जी महाराज के हाथों से दीक्षा लेनी है तो उनके सामने प्रलोभन भी आए और पड़कार भी आए। कई उनके संबंधी थे, वो कहते थे कि ये साधु होने की बात ठीक नहीं है, क्या तुम इस प्रकार से साधु बनने के बाद योगी जी महाराज जैसे बनने वाले हैं? तो स्वामी जी कहते हैं कि आप क्या व्यापार करके टाटा बिरला बनने वाले हैं, तो भी आप क्यों व्यापार करते हो, तो मैं भी साधु बनेगा। तो इस प्रकार से विघ्नों से डरे नहीं, प्रलोभन आए। स्वामी जी बताए कि 17 लड़कियों को उनके सामने इस प्रकार से लाया गया था। सो स्वामी जी यहाँ पधार रहे हमें दर्शन देने के लिए। तो ऐसे प्रलोभनों में भी वे फंसे नहीं और विघ्नों से डरे नहीं और योगी जी महाराज के साथ पास से दीक्षा लेकर वे सचमुच में योगी जी महाराज जैसे बनकर रहे। वो तो स्वयं योगी जी महाराज का स्वरूप ही अनादि अक्षर ब्रह्म है, लेकिन स्वामी जी ने भी ऐसी नचिकेता जैसी दृढ़ता रखी तो वे मूर्तिमान हमारे सामने नचिकेता जैसे है। तो उनके चरणों में हम प्रार्थना करें कि हम भी प्रलोभन और पटकारों से हटे बिना भगवान की निर्विघ्न भक्ति कर सके, ऐसा बल बुद्धि शक्ति हमें प्राप्त हो, यही उनके चरणों में प्रार्थना। श्री